हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई आप सब। आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे और खा पी के मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को ख़त्म कर लिया है, तो आज की क्लास में हम क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज को पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, किसी को दिक्कत तो नहीं आई जो हमने ट्रायंगल्स की टाइप पढ़ी है? किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही ना? अगर दिक्कत आए तो मुझे ग्रुप में मैसेज करके बता देना। ठीक है। और दूसरी बात, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है। क्यों? एक तो क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, दूसरी बात जिसको मेंसुरेशन आएगा उसको फिर ज्योमेट्री भी आएगी, नहीं तो ज्योमेट्री भी नहीं आएगी समझ में। ठीक है। तो इसलिए चैप्टर को ध्यान से करना है। तो आज की क्लास को करते हैं फटाफट शुरू। जल्दी से कॉपी पेन निकाल लो और हेडिंग डाल लो आज की क्लास के लिए। आज हम क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्री लेटरल। ठीक है। क्वाड्री लेटरल जिसको आप हिंदी में क्या बोलोगे भाई? चतुर्भुज। चतुर्भुज हिंदी में इसको बोलते हैं हम, चतुर्भुज। और नाम ही देखो बता रहे इसके बारे में, क्या बता रहे? चतुर मतलब होशियार। ठीक है, होशियार वाला चतुर नहीं है। चतुर मीन्स चार और भुज मतलब भुजा। तो जिसमें चार भुजा होती हैं उसको हम बोलते हैं चतुर्भुज। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? तो अब ये चतुर्भुज को हमने पढ़ना है। तो जिसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जिसको आप बोलते हैं आयत। और आपको बता दें यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन रेक्टेंगल के आते हैं। ठीक है। तो पहले बेसिक कंसेप्ट को समझिएगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं इसमें। ठीक है। तो रेक्टेंगल आप सभी जानते हैं, इसको कैसी होती है? ऐसी होती है, आयताकार फॉर्म। ये हमारी रेक्टेंगल है यानी कि आयत है। और प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन भी दिखाऊंगा, क्लास को एंड तक देखना। आज बहुत बढ़िया क्लास रहने वाली है आपकी। ठीक है। तुम्हारे दिल दिमाग आत्मा में उतार दूंगा मैं कंसेप्ट को। तो मैंने कहा ये रेक्टेंगल है जिसमें इसको आप बोलते हैं लेंथ, इसको बोलते हो ब्रेड्थ। भाई ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं? पेरीमीटर की। पेरीमीटर जिसको क्या बोलोगे? परिमाप। ठीक है, बताओ जल्दी से पेरीमीटर क्या लिखना चाहिए मुझे? तुम कहोगे अच्छा एक बात, और ये एल है ना, तो ये भी एल है। जितनी ये होती है उतनी ये भी होती है, जितनी ये उतनी ये भी। ठीक है। आप ऐसे बोलते हो जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, ऐसे बोलते हो ना इसकी डेफिनेशन में। तो एल एल और बी बी। तो अब पेरीमीटर क्या हुआ भाई? पेरीमीटर होता है सभी साइड्स का टोटल। बताया था क्लोज्ड फिगर की सभी साइड्स का टोटल। तो पेरीमीटर बना एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। तो इसका मतलब हुआ टू टाइम तो एल प्लस हुआ और टू टाइम बी प्लस हुआ। दो बार एल प्लस होगा और दो बार बी प्लस होगा। तो भाई यहां से दो अगर कॉमन लेके लिखूंगा तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। ठीक है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, ये फॉर्मूला बन गया। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, क्लियर है यहां तक? एक मिनट यार, इस एरिया में कुत्ते इतने ज्यादा है ना, बस इधर से मैं पढ़ाना शुरू करूं और उधर से वो पता नहीं क्या उनके प्लॉट बिकते हैं, किल्ले बिक रही है इनके। ठीक है। तो यहां पे हम बात कर रहे थे अब एरिया की। तो सेकंड पॉइंट, एरिया। एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो एरिया आप सभी जानते हो, बताने की जरूरत ही नहीं है। एरिया आप सभी को मालूम है, क्या होगा? एल इंटू बी यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है? इसका एरिया होता है, ये सभी को पता है। और ऐसा होता क्यों है? हालांकि कोई पूछेगा नहीं, लेकिन ऐसा होता क्यों है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। देखो भाई, इसमें ये जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री के होते हैं। ये किसके हैं? 90 डिग्री के। ठीक है, सभी जानते हो भाई 90 डिग्री के एंगल है। तो यहां पे अगर मैं बोलूं ये हमने क्या खींच लिया? इसका डायगोनल खींच लिया। क्या है ये? इसका डायगोनल है यानी कि विकर्ण है। दिस इज डायगोनल जिसको आप क्या बोलते हो? विकर्ण। ये इसका विकर्ण है भाई। ठीक है भाई, ये डायगोनल हो गया।
कितने डायगनल होंगे इसमें? दो डायगनल होंगे, एक इधर से और एक इधर से, उसको बाद में खींचूंगा, फिलहाल नहीं खींच रहा। तो मैं तुम्हें क्या दिखाना चाह रहा हूं, मुझे बताओ क्या ये तुम्हें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है? समकोण त्रिभुज दिखाई दे रही है सभी को? बिल्कुल दिखाई दे रही है। तो मुझे बताओ इस समकोण त्रिभुज का, इसकी बात कर रहा हूं पूरे की बात नहीं कर रहा, इसका एरिया कितना होता है? तुम कहोगे इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना दिख रहा है एल, इंटू हाइट, हाइट क्या होगी बी। तो आपको मैंने बताई थी ये बात कि अगर किसी भी ट्रायंगल की हाइट हमें मालूम हो तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। तो मैंने ये लिख दिया। तो तुम देखो इससे मेरे पास जो एरिया आएगा वो कितनी इसका ट्रायंगल का आएगा। तुमने कहा इस नीचे वाली ट्रायंगल का, इस नीचे वाली त्रिभुज का एरिया आ गया। तो अब मुझे बताओ जितना इसका है उतना इसका भी तो होगा, क्यों? क्योंकि हमने तो बीचों बीच एक लाइन लगाई थी। तो अगर दोनों के एरिया बराबर है तो क्यों ना इसके एरिया का डबल कर दूं ताकि ये पूरे का एरिया आ जाए। तो जैसे ही आप इसको डबल करोगे ना तो देखो ये दो से दो कट गया और फॉर्मूला बना एल इंटू बी। तो ऐसे बना था ये, क्लियर है बात समझ में? मैंने क्या करा, इसका एरिया निकाल के इसका डबल कर दिया सो दैट कि इस पोर्शन का भी एरिया आ जाए और पूरी रेक्टेंगल पूरी आयत का एरिया फिर क्या बना, डबल करने से एल इंटू बी, इसलिए फॉर्मूले में एल इंटू बी लिखा जाता है। तो एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात क्या, दूसरी बात यह है भाई कि अगर मैं पूछूं तुमसे कि ये डायगोनल कितना बड़ा होगा तो तीसरा फार्मूला आप इसी का लिखेंगे, डायगोनल, डायगोनल जिसको आप क्या बोलोगे, विकर्ण। अगर मैं कहूं कि इसका डायगोनल कितना बड़ा होगा तो देखो ये डायगोनल है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम मैंने तुम्हें पढ़ाई थी, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि डायगोनल इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो डायगोनल सबसे बड़ी साइड है, ये सबसे बड़ी साइड है, तो सबसे बड़ी साइड कैसे निकलती है, एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अंडर द स्क्वेयर रूट, इसका स्क्वेयर रूट भी तो करना है तभी तो निकलेगा ये, ठीक है। तो ये हो गया इसके डायगोनल का फार्मूला यानी कि विकर्ण का फार्मूला, क्लियर है। तो यहां तक जो फार्मूले हमने करने थे वो सारे कर चुके हैं। एक डायगोनल में और बात कर रहा था कि एक डायगोनल इसका ये भी होगा, एक तो ये है एक ये है, तो दो विकर्ण होंगे इसके अंदर, ये पहला है ये दूसरा है, और दोनों ही विकर्ण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये बात भी तो सही है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। अगर ये 20 होगा तो फिर ये भी 20 होगा, इसमें कोई दिक्कत। दूसरी बात, ये बाइसेक्ट करते हैं, ये वैसे बता रहा हूं कॉमन प्रॉपर्टी बता रहा हूं, ये बाइसेक्ट करते हैं। मैंने बोला बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर भागों में डिवाइड होते हैं, जब ऐसे काटेंगे ना एक दूसरे को। तो अगर ये 10 है तो भाई ये भी 10 होगा, ये 10 है तो फिर ये भी 10 होगा, बात सारी ये है। तो ये कुछ बातें बता रहा था प्रैक्टिकल से इसके बारे में। तो ये रेक्टेंगल हमने देख लिया यहां पर, अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन इन शॉर्ट में लिखूंगा, फिर से इन शॉर्ट लिखने में अगर कोई दिक्कत है, किसी को नहीं समझ में आ रही मेरी लैंग्वेज तो फिर मुझे बताना भाई कि सर ऐसे तो समझ में नहीं आते, ठीक है, फिर कोई और अल्टरनेट ढूंढेंगे। तो क्वेश्चन हमारे लिए है, तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखेंगे इन रेक्टेंगल, इन रेक्टेंगल यानी कि आयत में, हिंदी वाले लिख ले आयत में। अब आयत में क्या भाई, ये क्वेश्चन है। इन रेक्टेंगल लेंथ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, जो हिंदी भाषी है वो लंबाई लिख सकते हैं और यहां पर चौड़ाई लिख सकते हैं, ठीक है, लंबाई दे दी और चौड़ाई दे दी। हमें एक आयत में लंबाई और चौड़ाई दोनों गिवन है। अब प्लीज इधर मत देखना, फॉर्मूले मैंने समझा दिए, दिमाग से करना है काम। अब मैं इन फॉर्मूलों को सिखाने के लिए यहाँ पे कई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मेरा है एरिया कितना होगा यानी कि क्षेत्रफल कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन है मेरा पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी कि परिमाप कितना होगा। हिंदी में लिखते रहना भाई, साथ के साथ मैंने बोल दिया पेरीमीटर मतलब परिमाप, लिख ही दूँ नहीं तो हिंदी वाले कहेंगे नाइंसाफी हो रही है। तीसरा क्वेश्चन मेरा है कि यहां पे इसका डायगोनल, डायगोनल यानी कि विकर्ण कितना होगा, ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, अभी बाद में बताऊंगा, फिलहाल यही क्वेश्चन है। तो अब देखो भाई दिमाग में क्या करना है, रेक्टेंगल जैसी क्वेश्चन में आई आपने छाप देनी है, ये छाप दी भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, छाप लोगे सारे, ये छाप दी। लंबाई कितनी है 20, ये 20 है और ये कितनी है 10 है, ये तुम्हारे दिमाग में आ गया। तो मुझे बताओ एरिया क्या होगा। अब बच्चा बच्चा जानता है यार 20 की गुणा 10 से कर दो एरिया आ जाएगा, तो 20 गुणा 10 कितना आ गया, 200 सेंटीमीटर स्क्वेयर, दिस इज द फर्स्ट आंसर, 200 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये क्या आ गया इसका एरिया आ गया, क्षेत्रफल आ गया।
लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, ये यूनिट है सेंटीमीटर, जब सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर बनता है, और एरिया टू डायमेंशनल होता है, ठीक है, समझा रखा है। अब बात करते हैं पेरीमीटर की। अब पेरीमीटर निकालने बैठ गए, अब कुछ बच्चे ना उस फार्मूले के पीछे भागते हैं। अरे भाई फार्मूलों के पीछे मत भागो, क्या आपको ये पता होना चाहिए, अगर ये 20 है तो फिर ये भी 20 होगी, ये 10 है तो फिर ये भी 10 होगी, तो क्या हुआ 20 और 10 30, 30 और 20 50 और 10 60, तो 60 आ गया। या ऐसे किया करो, ये दोनों कितना टोटल बना रही है 20 और 10 30, इसका डबल कर दिया करो भाई, इनका टोटल जो है वही इन दोनों का भी तो टोटल होगा, तो क्या हुआ 20 और 10 30, 30 का डबल यानी कि 60, और यही तो फार्मूला था, यही फार्मूला था कि ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, बी कितना था 10 था, तो मैंने आपको अभी बताया 20 जमा 10 30 और 30 का डबल कर दोगे तो ये बनेगा 60। तो मेरे ख्याल से ये दिमाग में बात आ गई होगी तुम्हारे कि भाई फार्मूले के बिना क्वेश्चन करेंगे। तीसरी बात है डायगनल की। अब डायगनल के लिए तुम्हें दिमाग में ये सोचना है कि भाई डायगनल क्या से होगा, ऐसे होगा, और ये मुझे बताना है तो पाइथागोरस से मैं इस क्वेश्चन मार्क को निकाल लूंगा। और कैसे, ये सबसे बड़ी साइड है, और बड़ी साइड एक समकोण त्रिभुज में कैसे आती है, जब हम छोटी दोनों साइड का स्क्वेयर करके और उसको ऐड करके और रूट ले दें। दोनों छोटी साइड का मैंने स्क्वेयर किया, ऐड कर दिया और उसका रूट ले दिया, तो 20 का स्क्वेयर कितना भाई 400, 10 का स्क्वेयर कितना 100, और 400 और 100 कितना बन गया 500। अब 500 का तो पूरा रूट नहीं निकलेगा, कोई बात नहीं, 500 क्या होता है 5 गुना 100 होता है, और आप सभी जानते हैं 100 का रूट होता है 10 और 5 का रूट पॉइंट में आएगा, तो इसको एज इट इज लिख देंगे, तो 10 रूट 5 सेंटीमीटर ये इसका आंसर आ गया। क्या कहीं पर कोई दिक्कत किसी भी बात में, मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अब मैंने कहा ये मैंने तीन ही क्वेश्चन पूछे थे, एक आध और भी पूछ सकता था, दिमाग से काम लेते। कैसे, अगर वो पूछता कि भाई ये कोई खेत है, नंबर 4 पे लाल अक्षरों में सजा दिया है मैंने इसको, कि ये कोई खेत है 20 मीटर बाई 10 मीटर, यहां पे सेंटीमीटर कोई बात नहीं, वो डायमेंशन है यार, इतना समझो कि ये 20 है ये 10 है, ये कोई खेत है जिसमें मुझे बीज बोना है, तो बीज बोने का खर्च, ठीक है, बीज बोने का खर्च, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग सीड्स एट द रेट 15 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वेयर, इस क्वेश्चन के हिसाब से बनाया मैंने, 15 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वेयर, अगर यहां मीटर लेता तो यहां मैं मीटर स्क्वेयर लिख देता, वो उसकी टेंशन छोड़ दो, ठीक है। नंबर 5, ठीक है, बाड़ लगाने का खर्च, बाड़ लगाने का खर्च, इसी में बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चन, बाड़ लगाने का खर्च, क्यों, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, और बाड़ लगाने का खर्च कैसे बताना है, एट द रेट 5 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है, बाड़ लगानी है एट द रेट 5 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वेयर, सेंटीमीटर स्क्वेयर नहीं भाई, पर सेंटीमीटर, सॉरी गलती से लिखा क्या भाई, यहां पे बाड़ बीज बोना था 15 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वेयर का खर्चा है, और यहां बाड़ लगानी है 5 रुपए पर सेंटीमीटर से के हिसाब से बाड़ लगेगी, तो अब यहां पे खर्च बताने हैं तुम्हें, तो खर्च कैसे आएंगे ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, बीज बोने का खर्च कितना होगा तुम मुझे बताओ, बीज कहां बोऊं, इस एरिया पे बोऊं ना, किस पर, इस एरिया पर, और ये सारा एरिया कितना है, ये एरिया है हमारा 200 सेंटीमीटर स्क्वेयर, तो 200 सेंटीमीटर स्क्वेयर पे बीज बोना है, और 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर का खर्चा कितना है 15, तो भाई 15 से गुणा कर देंगे और आंसर कितना आ जाएगा 3000 रुपये, क्या बात समझ में आ गई, 3000 रुपये आंसर आ गया, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन क्या, नंबर 5, बाड़ लगाने का खर्च, अब बाड़ लगानी है भाई, बाड़ लगाओ, बाड़ कहाँ लगा दो, बीच में लगेगी नहीं, कहाँ लगेगी, बाड़ यहां पे लगेगी, यहां से लगनी शुरू होगी, और ये बाड़ लगा दी, और ये लगा दी, लगा दी, लगा दी तो लगा दो, और ये लग गई, लग गई भाई, लगा दी बाड़, देखो डिजाइन भी कितना सुंदर बना है ना, तो ये बाड़ लगानी है, तो बाड़ कहां लगाई, इसकी बाउंड्रीज पे लगाई, इसका मतलब बाउंड्री क्या होती है, पेरीमीटर होती है, तो पेरीमीटर की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि 60 सेंटीमीटर पर मुझे बाड़ लगानी है, और 1 सेंटीमीटर का खर्चा कितना है 5 रुपए, एट द रेट 5 रुपीज पर सेंटीमीटर लिखा ना, पर का मतलब 1, यानी कि 1 सेंटीमीटर बाड़ लगाने का खर्चा है 5 रुपए, तो फिर 60 सेंटीमीटर लगानी पड़ी तो कितनी लगेगी,
300 रुपये की, ये खर्चा आ गया भाई, बाड़ लगा दो। तो बाड़ में इस्तेमाल होगा ये, इसको इंग्लिश वाले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, और यहाँ पे बीज बोने का खर्च या फसल काटने का खर्च, उसमें क्या होता है एरिया इस्तेमाल होता है। तो मेरे ख्याल से एक छोटे से क्वेश्चन से आपके दिमाग में ये सारे फार्मूले आ चुके हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन बच्चा है, ध्यान रखना धीरे धीरे क्वेश्चन बड़ा रूप ले लेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझते रहना ध्यान से, ठीक है। अपने तीनों मीडियम चालू रखा करो। अब बोला सर तीन मीडियम कौन से हो गए? अरे भाई पहले भी बताया मैंने, तीन मीडियम कौन से हैं, तुम कैसे सीख रहे हो जो मैं पढ़ा रहा हूं, तुम कैसे सीख रहे हो? बोला सर आपकी क्लास को देख के सीख रहे हैं। तो पहला मीडियम है देखकर। फिर मैंने कहा भाई देखने से काम चल गया क्या, तुम और क्या कर रहे हो? बोला सुन भी तो रहे हैं। तो दूसरा मीडियम है सुनने वाला। और तीसरा मीडियम कौन सा इस्तेमाल, मैं क्लास शुरू होते ही क्या बोलता हूँ, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, वो है लिखने वाला मीडियम। तो तीन मीडियम से सीख रहे हो, तीनों एक्टिवेट रहने चाहिए, ठीक है, तभी बात बनेगी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन में फिर से हेडिंग डाल लो इन रेक्टेंगल, यानी कि आयत में लंबाई और चौड़ाई का रेशो दे दिया 4:3, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो 4:3 का है, और जो एरिया है भाई वो दे दिया 1728 सेंटीमीटर स्क्वेयर। एरिया यानी कि क्षेत्रफल भी आपको दे दिया, और आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि इसका पेरीमीटर बता दो। पेरीमीटर जो बच्चा कर सकता है वो करे, जो कर सकता है वो आंसर करना शुरू कर दे। उसके लिए मैं ऑप्शन भी सजा देता हूं। ऑप्शन है 116, 176, 168 और लास्ट ऑप्शन है 124। मैंने ऑप्शन भी सजा दिए। तो अब तुम करोगे पेपर में, अब तुम कर भी दोगे, लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूं वो भी ध्यान से सुनते रहना। मुझे बताओ क्वेश्चन ऐसा आएगा, ये भी आएंगे, क्लियर है? मुझसे क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है, और तुम सभी जानते हो परिमाप क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, यही होता है पेरीमीटर, क्लियर है? तो यहां पे मैं कहूंगा कि यहां जो पेरीमीटर निकालूंगा तो ये जो साइड है ये एग्जैक्ट तो नहीं है भाई, क्यों? देखो ये है हमारी आयत रेक्टेंगल, जिसमें साइड्स का जो रेशियो है 4:3 है, पर ये एग्जैक्ट थोड़ी है, ये तो एक्स एक्स हमने मान लिया, ये 4x हो गया, ये 3x हो गया। अब ये आ गया, तो तुम यहां पे जब वैल्यू रखोगे तो ट्वाइस ऑफ 4x इंटू 3x कितना बनेगा, 7x, और फिर तुम कोई ना कोई x की वैल्यू भी निकाल लोगे भाई। जब इसको जैसे मर्जी सोल्व करें, वो बताऊंगा कैसे सोल्व होंगे, सोल्व करने के बाद x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू क्या आएगी, या तो 1 आएगी या 2 आएगी या 3 आएगी या 4 आएगी, वट एवर इट बी, कुछ ना कुछ तो आएगी। तो x की वैल्यू रखने से फिर हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो तुम मुझे बताओ 7 की किसी नंबर से गुणा करके कोई ना कोई नंबर तो आ रहा है ना, तो ये जो नंबर आएगा ये हमेशा 7 से कटेगा, ये बात मैंने तुम्हें कई बार समझाई, कटेगा ना, किससे कटेगा, 7 से कटेगा, क्यों? क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है। तो तुम देखो क्या कोई ऑप्शन 7 से कट रही है, तुमने इसको काटा, 7 एकम 7 बचे 46 तो 7 से नहीं कटता, तुमने इसको काटा 7 दूनी 14 बचा 36 7 से नहीं कटता, तुमने इसको काटा 7 दूनी 14 बचा 28 और ये कटा 7 से, इसको काटूंगा 7 एकम 7 बचा 54 और 54 7 से नहीं कटता, तो आंसर सी है। बात समझ में, कितनी देर लगेगी इसमें, ये तो समझा रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अब मैं यहाँ से, ये तो समझाने वाली बात होगी, अब मैं चलाऊंगा डिटेल वाली बात। डिटेल वाली बात क्या भाई, जो दिया है इस्तेमाल तो करें। अब इस्तेमाल कैसे होगा भाई, तो मुझे बताओ लंबाई चौड़ाई का रेशो दे दिया, लेंथ ब्रेड्थ का रेशो मैंने लिख दिया, एरिया 1728 है, तो तुम मुझे बताओ यहां से एरिया क्या लिखूं? तुम कहोगे एल इंटू बी इक्वल टू 1728, क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं इसको काटूंगा, 4 3 12 से काट दूं, 12 एकम 12 बचा 4 12 चौके 48 12 चौके 48, तो एक्स स्क्वायर 144 आ गया, तो फिर x कितना आ गया, इसका रूट कर देना भाई, रूट करूंगा तो कितना आ जाएगा 12, तो 12 अगर x की वैल्यू आ गई तो इसका मतलब ये हुआ भाई, ये वाली जो साइड है वो 48 हो गई, ये वाली जो साइड है इधर लिख देते हैं 36 हो गई, क्या कोई बात दिक्कत किसी को, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इतना समझ में आ गया, तो तुमसे पूछ रहा था इसका पेरीमीटर बता दो, पेरीमीटर यानी कि परिमाप बता दो। तो परिमाप अब कैसे लिखेंगे भाई, तुम मुझे बताओ, यहां से मैंने अभी क्या सिखाया था, ये 48 तो ये भी 48,
ये 36 तो फिर ये भी 36, या तो तुम इसको ऐसे सारे साइड्स को प्लस कर दो, या मैंने क्या कहा था जितना टोटल इनका होगा इतना इनका भी होगा, तो तुम 48 में 36 को ऐड कर दो तो कितना बनेगा 86, और इसका डबल कर देना, ठीक है 86 बनेगा कुछ, 8 6 14 84 बनेगा भाई, ठीक है 84 बन गया, तो 84 का डबल कर दो कितना बन गया 168, और यही क्या था आंसर था जो कि मैंने पहले ही समझा दिया था। तो डिटेल चलाओगे तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ऑप्शन ज़्यादा सेटिस्फाई होती, मान लो ये ऑप्शन भी 7 से कटती, ये भी कटती, ये भी कटती, ये भी कट रही है, फिर क्या करेंगे, फिर ये कर देंगे, कितना टाइम लगेगा। आया समझ में, क्लियर है? तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत अब नहीं होगी, पैरामीटर पूछ रहा था तो पैरामीटर हमने निकाल भी दिया। इसी के साथ आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अभी आ रहे बोर्ड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन रेक्टेंगल आयत में एल माइनस बी 17 है, इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर है 17 सेंटीमीटर, ये बोल रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है 17 सेंटीमीटर, और इसका जो पेरीमीटर है भाई, जो परिमाप है वो है 106 सेंटीमीटर, पेरीमीटर 106 सेंटीमीटर है, क्लियर है। और आपसे वो पूछना चाह रहे हैं इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, तो ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब देखो, मैं ऐसा भी नहीं कहता कि भाई फॉर्मूले बिल्कुल ही नहीं करो, फॉर्मूले याद भी रखो, ठीक है, नहीं याद रहते तो बना लो, ठीक है, और जितने याद होंगे ना तो उतना थोड़ा सा काम फास्ट हो जाएगा। कैसे, मुझे बताओ L माइनस बी 17 दे दिया और पैरामीटर 106 दे दिया, तो तुम मुझे बताओ पैरामीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी, यही होता है ना, इसकी वैल्यू 106 दे रहा है वो तुम्हें, इसी की वैल्यू 106, ठीक है। अब ये भूल जाओ तो बना लेना, सिखा दिया बनाना कैसे बनेगा, तो दो से इसको काटूंगा तो L प्लस बी मुझे बताओ कितना आएगा, तो तुमने कहा 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 53 आ गया, तो L प्लस बी 53 आ गया और एक वैल्यू ये दे रखी है, तो मैं L माइनस बी को क्या इस्तेमाल करूंगा, 17 इस्तेमाल करूंगा, और एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, तो मैं क्या करूँ, दोनों को ऐड कर देता हूँ, मैंने क्या करना है इक्वेशन एक और इक्वेशन दो को क्या कर देना है ऐड, ऐड करूंगा तो ये कट जाएगा, कट जाएगा तो क्या बनेगा 2 × L इक्वल, इधर क्या बनेगा 70 बनेगा, और L की वैल्यू कितनी आएगी, 2 से काट के 35 आ जाएगी, तो L की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, L की वैल्यू कितनी आ गई 35 आ गई, इस L की वैल्यू को यहाँ चिपका दो, आपको पता है कि L प्लस बी जो है वो 53 के बराबर है और L की वैल्यू 35 आ गई, तो B की वैल्यू भी आ जाएगी, क्या दिक्कत है, तो B की वैल्यू क्या आएगी 53 में से 35 को माइनस कर देना, तो कितनी आ रही है 18, ठीक है। तो ये बात समझ में आई तुम्हें, ये मेरे पास लेंथ भी आ गई और ये मेरे पास ब्रेड्थ भी आ गई, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आगे तो आसानी है यार, आगे तो क्या करना था, L इंटू बी करना, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा आपको, याद रखना मेरी बात हमेशा, अगर कहीं पर भी मैथमेटिक्स में दो इक्वेशन दिखें जिसमें से एक हो प्लस की और एक हो माइनस की, तो याद रखना इस L की वैल्यू को ध्यान रखना, एक इक्वेशन प्लस की होनी चाहिए, एक माइनस की होनी चाहिए, और इनका कोई कोफिशियंट नहीं होना चाहिए, ये बात खास है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोफिशियंट, मतलब भाई ये ऐसे नहीं होनी चाहिए कि 3L प्लस में 4B, ऐसी नहीं होनी चाहिए, इनके आगे ऐसा कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर सीधी सीधी हैं, सीधी सीधी एक प्लस की और एक माइनस की, तो याद रखना L हमेशा ही कैसे मिलेगा, इन दोनों को ऐड करके 2 से भाग कर देना, दोनों को ऐड करके दोनों से 2 से भाग कर देना, तो ये कितना बनेगा 70/2 यानी कि 35, ये L की वैल्यू आ गई फटाफट। B की वैल्यू कैसे आएगी, इन दोनों को माइनस करके 2 से भाग कर देना, तो कितना आएगा 18। बात आई समझ में, ये मुंह जुबानी भी हो सकता था, ठीक है, मैंने समझा दिया। अब किसी को लगे बोला ये कौन सी नई ट्रिक पैदा होगी, कोई ट्रिक नहीं है, सब कंसेप्ट है। तुम मुझे बताओ यहाँ पे इन दोनों को जब मैंने ऐड किया था तो बी से बी कैंसिल हो गया था और एल इंटू एल 2L बना था और इन दोनों को ऐड करके 70 बना था, तो यहाँ पर भी तो 70 बन रहा है, 70 आ रहा है ना, तो फिर ये 2 जो है ये 70 को डिवाइड करेगा तो 35 आएगा। इसी तरह से अगर इन दोनों इक्वेशन को प्लस की बजाय माइनस कर दिया जाए तो फिर ये वाली कहानी बनती है, ठीक है। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैंने तुम्हें समझा भी दिया पूरा लिख लिख के, तो आप फटाफट करने की कोशिश करें।
अब इतना समझ में आ गया तो एरिया यहीं पे लिख देते हैं भाई। एरिया क्या होगा, एल इंटू बी, यानी कि 35 गुणा में 18, 18 पंजे 90, 18 ती 54 और 10 64 होते हैं, लेकिन 63 कर दो, इतने सेंटीमीटर स्क्वेयर, एंड दिस इज योर आंसर। एनी डाउट? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पर, क्वेश्चन आसान था, ठीक है, तो ये आपने करना था। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं। आज बड़ी खास खास चीजें सिखाऊंगा तुम्हें मैं, है ना, बहुत खास है ये क्लास, इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है। तो नेक्स्ट क्लास क्या है, इन रेक्टेंगल यानी कि आयत में लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई का, ये जानबूझ के लिख रहा हूं मैं ऐसा, लंबाई चौड़ाई का 3/2 गुना है, 3/2 गुना है, है लेंथ इज 3/2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, ठीक है, L फॉर लेंथ है भाई इंग्लिश वालों के लिए, और B फॉर ब्रेथ है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई का 3/2 गुना है। इसके बाद जो एरिया है भाई वो 2400 सेंटीमीटर स्क्वेयर है, एरिया भी आपको दे दिया 2400 सेंटीमीटर स्क्वेयर, और आपसे पूछना चाह रहा है कि इसका पेरीमीटर बता दो, यानी कि परिमाप बता दो, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, अब कैसे क्या करना था, देखो बिल्कुल आसान बात है, ठीक है, इसको करने के अलग अलग तरीके हैं, कोई कुछ मान सकता है कोई कुछ मान सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल सा मानूंगा। और प्रैक्टिकल क्या है, वो प्रैक्टिकल मैं एक बार लिख दूं आपके लिए, वो प्रैक्टिकल ये है कि यहाँ पर ये जो लाइन मैंने लिखी थी ना कि लंबाई चौड़ाई का 3/2 गुना है, तो इसको बनाने के लिए पहले मैं एक बार रेक्टेंगल बना दूं, ये है आपकी रेक्टेंगल, सामने से बनाऊंगा तो सही दिखेगी, देखो पहले से सुंदर है, हाँ सुंदर है, लंबाई जो है वो चौड़ाई का 3/2 टाइम्स है, ठीक है। यहां से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि जिसके साथ ये लगता है ना का से, वो कहां होते हैं, नीचे होते हैं, इसका मतलब ये चौड़ाई है, और जो पहले पे बोला गया वो ऊपर लिखा होता है, यानी कि ये लंबाई है। तो लंबाई है हमारी 3 और चौड़ाई है हमारी 2, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो एक्स एक्स लगा दो, ये लाइन समझ में आई, इंग्लिश वाले देख लो, लेंथ इज, पहले पे क्या बोल रहा है, लेंथ, इसका मतलब वो ऊपर लिखी हुई होगी, जो बोल रहा है वो ऊपर है, इज 3/2 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ, ऑफ जिसके साथ लगा वो कहां लिखा होगा, नीचे लिखा होगा, तो इसका मतलब नीचे वाला क्या था, ब्रेड्थ था, ये क्या है, ब्रेड्थ है। और इतना तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड भी आप कर सकते हो कि लंबाई ज्यादा होगी चौड़ाई कम होगी, ठीक है, तो ये हम ऐसे भी लिख सकते थे। तो अगर इतनी बात तुम्हारे समझ में आ गई तो आगे तो कुछ भी नहीं बचा, क्यों, क्योंकि एरिया 2400 दे रखा है, तो एरिया यहां से क्या लिखूंगा, 3x इंटू में 2x, यही तो है एरिया, और ये किसके बराबर था, 2400 के बराबर था भाई, तो 3 दूनी 6 चौके 24 कट गया भाई, एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 400, एक्स कितना आ गया बताओ, 400 का रूट यानी कि 20। यहां तक कोई बात समझ में नहीं आई हो भाई, सब कुछ समझ में आया होगा, तो x की वैल्यू 20 आ चुकी है मेरे पास, और x अगर 20 आ गया तो फिर मुझे पता लग गया क्या, कि ये वाली साइड कितनी बनेगी, 60 बनेगी, ये वाली कितनी बनेगी, 40 बनेगी, ठीक है। तो फिर पूछ कह रहा था, पैरामीटर पूछ रहा था, तो मुझे बताओ 60 और 40 100, ये 100 है तो फिर ये भी तो 100 होगा, तो तुम सीधा ही लिख सकते हो 200, दिस इज द पैरामीटर, कोई दिक्कत भाई इसमें, मैंने सीधा लिखा यार, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को लगे कि नहीं सर बोला हर बार ऐसे लिखा करो, हमें तो समझ में नहीं आता है, कहाँ चला जाता है, 100 × 2 = 200 भाई, दिमाग से काम लिया करो, 60 और 40 100 हो गया, तो 100 × 2 = 200 हो गया, ख़त्म, ठीक है, आ गया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, होनी नहीं चाहिए भाई दिक्कत, अब भी दिक्कत होगी तो फिर तो कैसे बात बनेगी। अब आगे बढ़ा देते हैं, कुछ बच्चे ना ऐसे भी मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं, बोला चौड़ाई जो है ना वो x है, लंबाई जो है ना वो इसका 3/2 गुना है, ऐसे भी करते हैं बच्चे इसको, देखो ध्यान से, लंबाई ये हो गई, चौड़ाई ये हो गई, मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ बाई चांस, मैं सोच रहा था कि इसको ही बता दूं, कि चौड़ाई x मान ली, बोला लंबाई जो है वो चौड़ाई का 3/2 टाइम्स है, तो ऐसे मान ली, तो फिर तुम्हें क्या पता है एरिया, एरिया क्या होता है, L इंटू बी, दिस इज इक्वल टू 2400, तो L की वैल्यू 3/2x है,
ये सारी मैंने यहाँ पे रख दी, दिस इज इक्वल टू 2400। फिर तीन से कटा, तीन अठे 24, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर कितना आ गया, 800 गुना दो 1600 आ गया। एक्स कितना आ गया, 1600 का रूट कितना आ गया, 40, भाई 40 आ गया ना, ये 40 आ गया, ये 40 आ गया। अब देखो कुछ ने किया होगा ऐसा, कुछ ने ऐसा भी किया होगा, तो इसलिए मैं इसके बजाय इसको भी बता रहा हूँ भाई। तो अगर x 40 आ गया तो फिर यहाँ से ब्रेड्थ कितनी बन गई, 40, और ये कितनी बन गई, 3/2 किसका, 40 का, कितना आया, 60। बात तो घूम फिर के वहीं आई है यार, बात तो वहीं आई है घूम फिर के। मर्जी आपके, जैसे जिसको आना हो वैसे कर सकता है। ये मत बोलना कि सर हमें तो पहले वाला ही अच्छा लगा, ये वाला अच्छा लगा, कर लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप जो मर्जी मेथड लगाएं बट आंसर सेम आना चाहिए, मैथ सही है तो आंसर शुड बी सेम, वो चेंज नहीं होगा, मेथड बदलने से आंसर चेंज नहीं होता। अब अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई वन साइड इन रेक्टेंगल, आयत में वन साइड यानी कि एक भुजा, ध्यान दो मैंने कहीं नहीं बोला कि ये लेंथ है कि ब्रेड्थ है, एक भुजा 15 सेंटीमीटर है, यानी कि वन साइड जो है वो 15 सेंटीमीटर है, और वन डायगनल यानी कि एक विकर्ण 17 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण 17 सेंटीमीटर है, तो क्या पूछना चाह रहा है, इसका एरिया। अब ध्यान दे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या इसका एरिया पूछा, अगर आप कर सकते हैं तो वीडियो पॉज करके फटाफट किया करो। अब मैं समझाता हूँ, बोला आयत में एक भुजा, अब वो ये भी हो सकती है या ये भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकती है। बोला एक डायगनल, अब डायगनल तो दो होते हैं, ये भी हो सकता और ये भी हो सकता है, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था ये हो चाहे ये हो, होते तो बराबर हैं, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन में क्या है कि एक रेक्टेंगल में, एक आयत में, बना दो भाई एक बार, ठीक है, आगे अड़ रहा हूँ इसके ताकि ये सीधा सीधा बन जाए। रेक्टेंगल में, आयत में, ये आयत है भाई, ठीक है, ये हमारी आयत है, रेक्टेंगल है, जिसमें एक भुजा 15 है, मैंने ये 15 ले ली भाई, तुम यहाँ 15 लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, और एक डायगनल 17 है, तो मैंने ये क्या ले लिया, 17 ले लिया। तो बोला इसका एरिया क्या होगा, तो तुम दिमाग से सोच के देखो, एरिया के लिए मुझे ये साइड जब तक नहीं पता होगी, क्यों, क्योंकि एरिया तो एल इन टू बी होगा, तो जब तक ये पता नहीं होगी एरिया कैसे निकाल पाऊंगा, ठीक है, अब ये नहीं निकल पाएगा। तो याद करो मैंने यहाँ पे भी तुम्हें समझाया था, जिस बच्चे के पिछली क्लास याद होगी उसके दिमाग में आएगा ये होता है राइट एंगल, ये बन गई एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल के हिसाब से ये कैसे निकलेगी, बोला 17 आ रहा है 15 आ रहा है तो इसका मतलब ये 8 होगा। ये मैंने कहाँ से लिख दिया, ट्रिपलेट से लिख दिया भाई, 8, 15, 17। देखो राम वाला पेज खोल के वहां लिखा मिलेगा तुम्हें, राम वाले पेज पे लिखा होगा 8, 15, 17 का ट्रिपलेट बनता है, तो मेरे को ये पता था, मैंने लिख दिया, और अब एरिया देखो 15 अठे 120, खत्म हो गया, क्या दिक्कत थी, कुछ भी नहीं थी। लेकिन जिस बच्चे के याद नहीं तो फिर वो इसको कैसे निकाल सकते हैं, मान लो ये ट्रिपलेट याद नहीं आए, तो फिर दूसरा तरीका क्या बता रखा है कि बड़ी साइड अगर दे रखी है तो इसके स्क्वेयर में से जो एक छोटी साइड है उसके स्क्वेयर को माइनस करते हैं, तो फिर ये माइनस हो गया, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, और ये कितना बनेगा 32 और ये बनेगा 2, तो 64 का रूट कितना बनेगा 8, ऐसे कर सकते हैं। तो ये तो सारी कहानी होगी कि अगर आपके दिमाग में ये ट्रायंगल वाले कंसेप्ट भी हैं, ध्यान रखो ये ट्रायंगल का कंसेप्ट था, पढ़ाया था, अगर ये कंसेप्ट भी हैं तो क्वेश्चन बड़ा फास्ट हो जाएगा, और अगर ये कंसेप्ट नहीं है तो फिर डिटेल राम कहानी दिखाता हूं ना तुम्हें। अब अगर ये कंसेप्ट याद नहीं है तो फिर डिटेल देखो कैसे चलती है, इसको तो 8 ही रखते हैं, डिटेल कैसे चलेगी, अब बात कर रहा हूं मैं डिटेल की। देखो मेरा काम बताना है, दोनों चीजें बताना है, आपने देखना है कि आप किस पर ज्यादा कंफर्टेबल हो, ये याद रखोगे तो बहुत फास्ट है, नहीं तो फिर ये करना है जो टाइम टेकिंग है। क्या बोल रहा है कि यहां पे जो विकर्ण है ये कितना दे रही है 17, तो मुझे बताओ डायगनल किसके बराबर लिखवाया था मैंने, एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का रूट, तो यहां से मैं लिखूंगा एल स्क्वेयर
प्लस बी स्क्वेयर का रूट दिस इज इक्वल टू 17, ऐसा दिया हुआ है ठीक है। और अगर ऐसा दे रखा है तो यहां से स्क्वेयर हटाने के लिए, ये स्क्वेयर रूट हटाने के लिए सॉरी, मैं क्या करूंगा, स्क्वेयर करूंगा, दोनों साइड का करूंगा, तभी स्क्वेयर से रूट कटेगा और मैं कहूंगा एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू 17 का स्क्वेयर, ऐसा बन गया। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इतना समझ में आ गया तो और क्या दे रखा था, ये तो मैंने इस्तेमाल कर लिया, ये भी तो दे रखा था, एक साइड दे रखी थी, चाहे आप एल ले लो चाहे आप बी ले लो, जो अच्छा लगे वो ले लो, मैंने एल ले लिया 15। तो अब देखो मेरे पास एल भी है, एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर भी है, अब मैं इसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मुझे चाहिए क्या, सबसे पहले तो मैं ये देख लूँ, मुझे भाई बी चाहिए, है ना। अब बी कैसे आ सकता है कि एल अगर 15 है तो क्यों ना एल की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूँ, भाई बी मानोगे तो बी की जगह रख देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एल की वैल्यू 15 रखूंगा तो ये 15 का स्क्वेयर बना प्लस बी का स्क्वेयर इक्वल टू 17 का स्क्वेयर, और यहाँ से बी स्क्वेयर कितना बना 17 का स्क्वेयर, और ये उधर जाके क्या बनेगा 15 का स्क्वेयर, और ये यही वाली कहानी आ गई जो यहाँ लिखी थी, मिटा दी बाई चांस। तो इसको मैंने क्या सोल्व किया, 17 - 15 और 17 + 15, और ये कितना बन रहा है 64 बन रहा था, ठीक है। तो बी स्क्वेयर अगर 64 है तो यहां से मुझे बताओ बी कितना होना चाहिए, देयरफॉर बी इक्वल टू 64 का रूट यानी कि 8, तो बी की वैल्यू 8 आ गई। कोई दिक्कत है किसी को यहां तक, मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं है। तो भाई फिर ये डिटेल कहानी है, तो बी की वैल्यू 8 हमने पहले निकाल ली थी, तो एरिया निकालना था, एरिया क्या होगा 15 × 8, दिस इज एल इंटू बी यानी कि 15 × 8, 120 इसका आंसर आ जाएगा। फिर ये डिटेल वालों के लिए भाई, जो डिटेल चलाना चाहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे बढ़ चलते हैं। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ज़्यादा स्पीड से तो नहीं चल रहे ना, ठीक चल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहे हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन रेक्टेंगल, आयत में, सुनो ध्यान से, इन रेक्टेंगल यानी कि आयत में मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच अधिकतम दूरी यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, वो क्या होगा, वो आपसे पूछना चाह रहा है। अब रेक्टेंगल में पूछना चाह रहा है तो रेक्टेंगल की लेंथ दे दी आपको 100 मीटर और ब्रेड्थ दे दी आपको 50 मीटर, लेंथ 100 मीटर है, ब्रेड्थ 50 मीटर है, तो दो बिंदुओं के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस वो आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये रेक्टेंगल तुम्हारे सामने बनी हुई है, पॉइंट ये है, ये है, ये और ये, चार पॉइंट यहां पर है, मुझे बताओ क्या ये डिस्टेंस मैक्सिमम है, नहीं ये तो छोटा है, ब्रेड्थ है, क्या ये डिस्टेंस मैक्सिमम है, बोला नहीं। अब कुछ एक के मन में पता है क्या आ रहा होगा, बोला सर जी ये वाला मैक्सिमम हो जाएगा, अरे ये कैसे मैक्सिमम हो जाएगा, यहां से यहां तक ये तो दो बिंदु हो तो गए, ये पहला बिंदु ये दूसरा बिंदु, तो दो बिंदुओं के बीच में तो डिस्टेंस यही हुआ या फिर डिस्टेंस ये हुआ, लेकिन मैक्सिमम कौन सा हुआ, ध्यान से देखो, यहां से यहां तक ये हो गया मैक्सिमम डिस्टेंस, ये ना इससे और इससे ज्यादा तो यही है, इसका मतलब क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, डायगोनल पूछना चाह रहा है। तो फिर डायगोनल का फार्मूला सबको पता है क्या होता है, एल का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर, इसका कर दो रूट, ध्यान रखना प्लस, ध्यान ये डायगोनल निकाल रहा हूं ना, और डायगोनल सबसे बड़ी साइड होती है, तो इसका स्क्वेयर प्लस इसका स्क्वेयर और इसका रूट कर दो, तो 10 का स्क्वेयर कितना बनेगा 10,000, 50 का स्क्वेयर कितना बनेगा 2,500, तो कितना बन गया 12,500। अब 12,500 का रूट निकालना है, आता नहीं निकालना, कोई बात नहीं, कैसे निकलेगा, इसको हम क्या कह दें 125 × 100, ऐसा बोल दें। अब 125 को भी क्या बोल सकते हैं, 25 × 125 बोल सकते हैं। अब मैंने इतने टुकड़े क्यों किए, क्योंकि मुझे पता है कि 100 का रूट निकालूंगा तो 10 आएगा, ठीक है, 25 का रूट निकालूंगा तो 5 आएगा, और जिसका रूट नहीं आया वो अंदर रह जाएगा, ठीक है, ये फैक्टोराइजेशन मेथड था, बताया था ना तुम्हें, गुणनखंड विधि, तो कितना बना 50√5, इतने सेंटीमीटर,
और ये आंसर आ गया, सेंटीमीटर नहीं भाई, सीएम नहीं है ये, एम है, ओनली मीटर है। तो ये कर देंगे भाई, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत यहाँ पर भी नहीं होगी, आसान था। तो इसके बाद आगे बढ़ चलते हैं। तो ये ध्यान रखना कि क्या पूछ रहा है, कैसा पूछ रहा है। स्टेटमेंट जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक आंसर भी नहीं समझ में आएंगे, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ले लेते हैं क्या, कि अगर किसी रेक्टेंगल में पेरीमीटर यानी कि परिमाप वो दे दिया कितना जाए, 46, पेरीमीटर इज 46 सेंटीमीटर, और एरिया कितना दे दिया, 120 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये एरिया दे दिया। और आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं फिर से, इसका डायगोनल कितना होगा, व्हाट इज डायगोनल, ठीक है, व्हाट इज डायगोनल, ठीक। तो ये आपसे पूछ लिया। तो अब देखो डायगोनल का मतलब विकर्ण होता है भाई, ठीक है, ये विकर्ण पूछ रहा है, विकर्ण, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, देखते हैं कैसे करने हैं। मुझे एक बात बताओ, ये पेरीमीटर दे दिया, ठीक, पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक आयत की बात करूं, इसकी एक रेक्टेंगल है, इसमें ये एल है, ये बी है, ये एल है और ये बी है, तो पेरीमीटर क्या हुआ, एल प्लस बी का दुगना, क्या बताया था मैंने, एल प्लस बी का दुगना, ये क्या बनेगा, पेरीमीटर बनेगा। जिसको क्वेश्चन में कितना दे दिया, 46 दे दिया। अब दो से मैं काटूंगा, यहां से मुझे एल प्लस बी कितना मिला, 23 मिला, ठीक है भाई, इस बात में कोई दिक्कत, एल प्लस बी कितना है, 23 है। अब यहीं से आंसर आ सकता था, कैसे आ सकता था, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मुझे बताओ अगर एल प्लस बी 23 है, तो मैंने जो ट्रिपलेट लिखवाए थे उसमें ऐसा कोई ट्रिपलेट जिसमें एल प्लस बी, अब ट्रिपलेट की क्यों बात कर रहा हूं भाई, क्योंकि एल प्लस बी 23 अगर मेरा आ जाए तो मैं कह सकता हूं कि 8 15 17 का ऐसा एक ट्रिपलेट था जिसमें ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, ये डायगोनल हो गया, और इनका टोटल जो है वो 23 बनता है। ऐसा दिमाग से सोचना है, अगर सोच सको तो, नहीं सोच सको तो बताऊंगा अभी क्या करना है। तो अगर ऐसा सोच लिया तुमने कि भाई 8 15 17 का बनेगा और ये 15 और 8 23 होते हैं, तो बस जस्ट दिमाग में ट्रिपलेट्स होने चाहिए। जिसके दिमाग में ये आ गया ना, तो देखो वो क्या कहेगा, ये 15 है, ये 8 है, और मैंने 8 15 17 ही क्यों सोचा, क्यों, क्योंकि मुझे पता था कि एरिया 15 गुणा 8 120 सीसी से बन रहा है, 15 अट्ठे 120 बन रहे हैं ना भाई, क्या बात समझ में आ रही है, 15 अट्ठे 120 बन रहे हैं। और भी तरीका बता दूंगा जिसको ये नहीं समझ में आते, जिसको ये नहीं समझ में आते तो और भी तरीके बना सकते हैं हम, ठीक है, उसके लिए फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है, फैक्टराइजेशन कैसे होता है वो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये बात समझ में आई कि मैंने कैसे लिया इनको, ठीक है। अब किसी को नहीं समझ में आई, मान लो नहीं समझ में आई, तो टेंशन मत लो भाई, ये आई नहीं समझ में, हालांकि क्वेश्चन सोल्व हो चुका था, ठीक है, लेकिन उसने डायगोनल यहां पर पूछा है, तो अब इसको कैसे करूंगा। अब किसी को लग रहा है बोला सोल्व कैसे होगा, ये कितना था 15, ये था 8, ये कितना है 17, और यही इसका आंसर था, खत्म हो गया था क्वेश्चन। लेकिन अभी डिटेल चलाते हैं, तो मुझे बताओ अब यहाँ पे पेरीमीटर दे रखा था 46, पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, दो से कट गया तो एल प्लस बी 23 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, एरिया, एरिया कितना है, एल बी कितना है, 120, ये एरिया हो गया। तो मुझे बताओ ऐसा कोई फार्मूला जिसमें ये भी आता हो ये भी आता हो, तो हमने कहा कि एल प्लस बी का होल स्क्वेयर क्या होता है, एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में 2LB, इस बात में कोई दिक्कत। अब ये मत बोलना सर ये कहाँ दे रखा था, भाई अपने पास से लिया है, ठीक है। तो ये पैरामीटर था जिससे ये निकला और एरिया 120 था, तो ये दोनों वैल्यू इस फॉर्मूले में आ रही थी, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ से एल प्लस बी कितना था 23, तो ये कितना है 23 का स्क्वेयर इक्वल टू एल स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस में 2 LB की वैल्यू कितनी है 120, जो वैल्यू पता थी वो रख दी, 23 का स्क्वेयर कितना होगा 529, माइनस ये इधर से इधर आएगा कितना बनेगा 240, इक्वल टू क्या बनेगा एल स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर, माइनस कर दो 9 4 8 12 2 2 4, 284 क्या आ गया एल स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर। यहाँ तक कहानी आई समझ में, अब ये समझ में आ गया, तो पूछ क्या रहा था इसका डायगोनल विकर्ण, और विकर्ण आप सभी जानते हो क्या होता है, ये कहाँ लिखा है, ये लिखा है, तो इसकी वैल्यू अगर मेरे पास आ गई तो फिर मैं क्या कर दूँ, इसका स्क्वेयर रूट कर दूँ और ये कितना बनेगा 17, और यही है इसका आंसर,
ये चली डिटेल कहानी, बात आ रही है समझ में, ये डिटेल कहानी चल पड़ी। अब मैंने कहा था या तो ये ट्रिपलेट तुम्हारे दिमाग में आ जाए, क्योंकि डायगनल पूछ रहा है, तो कौन सा ट्रिपलेट ऐसा बनेगा जो इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने देखा 15 और 8 23 होते हैं, ये सेटिस्फाई हो रहा है, 15 8 120 ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसको या तो ऐसे करना या फैक्टोराइजेशन से भी कर सकते हैं। व्हाट इज फैक्टोराइजेशन, व्हाट इज फैक्टोराइजेशन, 120 लिखना तुमने टुकड़ों में तोड़ तोड़ के। कैसे लिखोगे 120? क्या हो सकता है, 1 गुणा 120 हो सकता है, 2 गुणा 60 भी हो सकता है, 3 गुणा 40 भी हो सकता है, 4 गुणा 30 भी हो सकता है, 5 गुणा 24 भी हो सकता है, 6 गुणा 20 भी हो सकता है, 7 एक चलो कोई बात नहीं चलने दो, 7 से नहीं कट रहा भाई, 8 से कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं, 8 एकम 8, 8 पंजे 40। देखो दूसरा मेथड बता रहा हूँ जिसके दिमाग में ये नहीं आए बात भाई। एरिया अगर 120 है तो एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है, तो तुम इधर एल ले लो इधर बी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने ऐसे लिख दिया ना। तो एल इंटू बी हमने ले लिया भाई, एल लंबा है और बी छोटा है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि ये कब कब 120 बन सकता है, तो 8 गुना 15 भी होता है, उसके बाद 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा, 10 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 10 गुना 12 भी 120 होता है, उसके बाद तो फिर रिपीट करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका मतलब L की वैल्यू 120, B की वैल्यू 1 हो सकती है, तभी तो एरिया 120 बनेगा। L की वैल्यू 60, B की वैल्यू 2 हो सकती है, तभी तो एरिया 120 प्रोडक्ट करके बनेगा। लेकिन 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 क्या कि यहाँ पर L प्लस बी 23 बनना चाहिए, तो L प्लस बी 23 इन दोनों को ऐड करूँगा, 23 नहीं बनेगा, इससे भी नहीं बनेगा, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, किसी से नहीं बन रहा सिवाय इसके, बन रहा है ना 23 L प्लस बी, पता लगा भाई। जिसके दिमाग में ये ना आए तो फिर वो ये कर लेना। ठीक है, तो ये 15 ये 8 इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बस, लेकिन ये देख लेना कैसे मैंने किया था। ठीक है, तो कहीं समझ में नहीं आए फिर से देख लेना रिवाइंड करके। तो मैंने सारी बात समझा दी, आगे बढ़ा लेते हैं हम। ठीक है, अगले क्वेश्चंस को भी समय दिया जाए, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये क्या 46 वाला हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम, ठीक है, कारपेट, कारपेट कैसे लिखेंगे भाई, कारपेट बिछाने का खर्च, इसका मतलब हमें कारपेट बिछाना है। ठीक है, कहाँ बिछाना है, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग का रूम, यानी कि कमरे में कारपेट बिछाने का खर्चा हमें निकालना है, कमरे में बिछाना भाई कारपेट। अब कारपेट बिछाना जिस कमरे में है उसकी लंबाई दे रखी है आपको 13 मीटर और चौड़ाई दे रखी है आपको 9 मीटर। ठीक है, बड़ा प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है। ठीक, अब कारपेट की चौड़ाई, कारपेट की चौड़ाई यानी कि विड्थ ऑफ कारपेट ये कितनी दे दी भाई आपको, ये 75 सेंटीमीटर दे दी। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम एट द रेट 12 रुपये पर मीटर स्क्वेयर, एट द रेट 12 रुपये पर मीटर स्क्वेयर। इसका मतलब क्या कि 1 मीटर स्क्वेयर कारपेट बिछाने का खर्चा है 12 रुपये, तो आपने टोटल खर्चा बताना है उस कमरे का जिसकी लेंथ है 13 मीटर, चौड़ाई है 9 मीटर और कारपेट की चौड़ाई है 75 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आ गया, अब कैसे करेंगे, देखो समझना है, रटना नहीं है कहीं पर भी, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूंगा और ये खास क्वेश्चन है जहां पर मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा भी करके। तो मुझे बस इतना सा बता दो, कितना सा बता दो कि अगर मैं मार्केट में जाऊं, प्रैक्टिकल बात करता हूं क्योंकि यहां पर कारपेट की चौड़ाई दे रखी है, मार्केट में जाऊं और मान लो मुझे कुर्ते पजामे का कपड़ा लेना है, तो मैं जाते ही कुर्ते पजामे का कपड़ा देखूंगा और मैं उससे क्या कहूंगा, भाई कितने रुपए मीटर लगाया, यही बात कहोगे ना भाई,
क्या रेट है इसका, कितने रुपए मीटर है? उसने बोला जी 50 रुपए मीटर लगेगा। तो 50 रुपए जो मीटर तुम्हें कपड़ा बताया वो किस चीज की बता रहा है, मतलब पैसे किस हिसाब से लेगा? बोला जितना तुम लंबा लोगे। तुमने कहा मुझे 5 मीटर दे दो, तो 50 रुपए का अगर 1 मीटर है तो 5 मीटर कितने का हो गया, 50 × 250। तो मुझे बताओ वो कपड़े की लंबाई के हिसाब से तुमसे पैसे ले रहा है क्या, चौड़ाई के हिसाब से पैसे ले रहा है? नहीं। ध्यान दो, यही बात ध्यान देने की है कि जब आपने उस कपड़े का रेट पूछा तो उसने बताया कि 50 रुपए का 1 मीटर है, तो तुमने क्या कहा कि हमें 5 मीटर दे दो, तो 50 × 5 250 रुपए का बन गया। तो लंबाई के हिसाब से पैसे मिले, हमें चौड़ाई के हिसाब से नहीं मिले। ठीक है, फिर ये चौड़ाई दे क्यों रखी है, अब इसकी बात समझते हैं। जब चौड़ाई के हिसाब से पैसे मिल ही नहीं रहे तो फिर चौड़ाई दी क्यों? तो आज तुम्हें कारपेट बिछा के दिखाएंगे। ठीक है, पहले मैं वो कमरा बना दूं जिसमें कारपेट बिछाना है। ठीक है भाई, कमरा तो बनाए पहले। ये है कमरा, ठीक है। ये कितना लंबा है भाई, 13 मीटर लंबा है, और ये कितना चौड़ा है, 9 मीटर चौड़ा है। कोई दिक्कत यहां तक? तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कारपेट ले आओ भाई, कारपेट वाले भैया आ गए। कारपेट वाले भैया ले आए कारपेट का बंडल, दिख रहा है सभी को? सही सही, ये कारपेट का बंडल है, ये बिछेगा यहाँ पर। खोल लो भाई बंडल को। कारपेट वाले भैया को बुलाया, बोला भाई कारपेट बिछाना। बोला बाबूजी बिछा देंगे। बोला क्या रेट लगेगा? बोला 12 रुपये पर मीटर स्क्वेयर। ध्यान दो, ये पर मीटर स्क्वेयर का जो मतलब होता है ना, इसमें लंबाई चौड़ाई ऑटोमेटिकली होती है, लेकिन पेमेंट किस हिसाब से होगी? अभी कपड़े की पेमेंट की थी, तो यहाँ पेमेंट किस हिसाब से होगी? भाई जितना लंबा कारपेट बिछेगा उतनी पेमेंट दे देंगे मीटर के हिसाब से। 10 मीटर बिछ गया और 12 रुपये का 1 मीटर है, तो 120 रुपये। 12 रुपये का 1 मीटर और 10 मीटर बिछा, तो 120 रुपये खर्चा बन गया। अब देखो कैसे बिछेगा। अब मुझे, मैंने कहा कि कारपेट की लंबाई पता लग जाए तो पैसे दे दूंगा, पर यहाँ लंबाई तो दे नहीं रखी ना। दिक्कत तो यही आ रही है कि लंबाई नहीं दे रखी। लंबाई दे देता तो कहानी खत्म थी। तो अब लंबाई कैसे निकलेगी? तो भैया नुकर तू काम शुरू कर। ठीक है, थोड़ी सी यार हरियाणवी आ जाती है कई बार कहानी सुनाते हुए। ठीक, तो क्या बोला भाई, यूं कर कारपेट बिछाना शुरू कर। तो कारपेट बिछाना शुरू कर दिया। कारपेट देखो बिछेगा कैसे, कारपेट रखा यहाँ पे, ठीक है, कारपेट रखा और बिछाना शुरू हो गया। देखो कारपेट बिछ रहा है, बिछ रहा है, वेरी गुड, कारपेट बिछ रहा है। अरे बड़ा सुंदर बिछा ये तो, बहुत अच्छा लग रहा हमें। और ये बिछ गया, अब यहाँ तक बिछ गया, ये थोड़ा सा छोटा रह गया फर्श। ठीक है, फर्श थोड़ा सा छोटा रह गया, ये मत बोलना कि कैसे, कि ये कारपेट बिछ गया। अब ये कारपेट बिछ गया, फर्श खत्म हो गया, तो क्या करेगा? कारपेट काटेगा। फिर से कहाँ से शुरू हो जाएगा? यहाँ से शुरू हो जाएगा, फिर से यहाँ से शुरू हो जाएगा, कारपेट बिछाना शुरू कर देगा। बात आ रही है समझ में तुम्हें? तो ऐसे कारपेट बिछाया जा रहा है, फिर फर्श रह गया तो काट देगा, फिर से बिछाएगा। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ यार मैं इन बातों से, कि आप देखो वो जो कारपेट बिछ रहे हैं वो किसको कवर कर रहे हैं? इस एरिया को कवर कर रहे हैं, है ना? कारपेट किसको कर रहा है? इस एरिया को कवर कर रहा है। और ये एरिया है कितना? अरे भाई ये एरिया तो लंबाई गुना चौड़ाई है, 13 × 9 लंबाई गुना चौड़ाई। इस एरिया को कवर कर रहा है कौन? ये कारपेट का एरिया। और कारपेट का एरिया क्या, ये ऐसे चिपकाया तो कारपेट का एरिया क्या? कारपेट की लंबाई। अब ये कारपेट कैसा दिख रहा है तुम्हें? रेक्टेंगल दिख रहा है ना भाई, आयत दिख रहा है तुम्हें? ये कागज की शेप का, आयत का। तो इसको कवर कर रहा है ये कारपेट का एरिया, विच इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो कारपेट की लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये किसकी है? रूम की। ये किसकी है? कारपेट की। तो कारपेट की लेंथ, लेंथ तो पता ही नहीं, लेंथ के लिए एल लिख लो पहले, लेंथ पता नहीं लेकिन ब्रेड्थ पता है कितनी है, 75 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो, क्या ध्यान दे भैया, ये मीटर में है ये ध्यान दो, और ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर के मीटर कैसे बनेंगे? 100 से डिवाइड कर दो। और लेंथ को मैंने मीटर में ही मान लिया भाई, ये मीटर में बना लिया तो फिर ये मैंने मीटर में मान लिया, तो बस एल की वैल्यू आ जाएगी तुम्हें सोल्व करके। 25 × 75, 2500 × 100, 3 × 3 पे 13 × 3 39, 39 × 4 कर देंगे तो L आ जाएगा। तो 39 × 4, 4 × 36, 4 × 12 और 3 = 15, 156 मीटर लेंथ आ गई। ये क्या आ गई? लेंथ, जो कि पहले से नहीं मालूम थी। अगर वो पता होती फिर तो हिसाब हो गया था भाई,
है ना, लेकिन लेंथ मैंने निकाल ली, कितनी आ गई 156 मीटर। ये क्या आ गई, लेंथ आ गई। अब लेंथ आ गई तो अभी तो मुझे लेंथ थोड़ी बतानी थी, मुझे तो खर्चा बताना था। तो अब हिसाब करने बैठ गए, बोला हाँ भाई क्या हिसाब बना तेरा। बोला बाबू जी 156 मीटर लगा है कारपेट, जब मैं ऐसे लगा रहा था 156 मीटर लगा, मेरा कोई दिक्कत नहीं। एक मीटर कितने का था, बोला 12 रुपए का था। तो फिर मल्टीप्लाई कर दो, 12 छिके 72, 12 पंजे 60 और 7 67, 12 एकम 12 और 6 18। बोला ये ले 1872 और हिसाब हो गया। तो 1872 रुपये खर्चा आएगा इस फ्लोर पे कारपेट बिछाने का। क्लियर है बात, समझ में कैसे चला? तो इन बातों को अगर दिमाग में बसा लोगे तो फिर क्वेश्चन कैसा भी घूम जाए पेपर में तुम घुमा लोगे। ठीक है, कंसेप्ट बार बार बोल रहा हूँ, कंसेप्ट कंसेप्ट दिमाग में बैठा लो बस, कि भाई किससे कवर हुआ। तो ये एरिया इक्वल टू ये एरिया, कैसे, क्योंकि इस फर्श के एरिया को कवर किया कारपेट के एरिया ने, जब कारपेट बिछाता तो कारपेट के एरिया ने, और कारपेट का एरिया क्या होगा, कारपेट आयत था, लंबाई गुना में चौड़ाई, तो लंबाई गुना में चौड़ाई और लगा दिया, तो कितना लंबा लगा वो मुझे पता लग गया, और लंबाई के हिसाब से ही पैसे देने थे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी फटाफट। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और है भाई, कैसा देखो, अगर क्वेश्चन दिया जाए कि एक रूम है इनर रेक्टेंगल को छोड़ के, हम कह देते हैं इनर रूम, इन अ रूम यानी कि एक कमरे में, एक कमरे में जो कमरे की लंबाई है भाई वो 8 मीटर है, और कमरे की जो चौड़ाई है वो 6 मीटर है, कमरे की लेंथ जो है 8 मीटर और चौड़ाई कितनी है 6 मीटर। ठीक है, इसके फर्श को अब मैं देखो यहां बना के दिखाता हूं, ये हमारा कमरा है, ये लंबा है और ये चौड़ा इसमें हमने लिख लिया, ये 8 मीटर और ये 6 मीटर, ये लंबाई चौड़ाई आ गई। बोला ये जो कमरे का फर्श है ना, इसको कवर कर दो, और किससे कवर कर दो, स्क्वेयर टाइल से, किससे कर दो, स्क्वेयर टाइल से। स्क्वेयर टाइल कैसी होती है भाई, जो जितनी लंबी होगी, इसके बाद हम क्वाड्रिलेटरल में स्क्वेयर पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वर्ग की भी चार भुजा होती है। ठीक है, तो ये होती है स्क्वेयर टाइल, यानी कि जो जितनी लंबी है उतनी ही चौड़ी भी है, यानी कि अगर ये साइड 10 है तो ये वाली भी 10 है, ये वाली भी 10 है और ये वाली भी 10 है, ये चारों साइड कितनी है 10 10 10। तो बोला इससे कवर करनी है, तो फिर से देखो वैसी बात आ रही है। तो यहां पे क्या पूछना चाह रहा है, फर्श को वर्गाकार टाइल से कवर करना है। ठीक है, वर्गाकार का मतलब स्क्वेयर टाइल, वर्गाकार मींस स्क्वेयर टाइल, समझ में आ रही है कहानी भाई, स्क्वेयर टाइल से कवर करना है, और स्क्वेयर टाइल जो है, स्क्वेयर टाइल की जो साइड है, जो भुजा है, वो है 4 डेसीमीटर, 4 डीएम, डीएम स्टैंड फॉर डेसीमीटर, डीएम का मतलब है डेसीमीटर, जो साइड है किसकी, टाइल की, वो कितनी है 4 डेसीमीटर लंबी है, यानी कि ये जो है ये वाली कितनी है 4 डेसीमीटर। ठीक है भाई, तो ये दे दी, अब यहां ये मीटर में, ये डेसीमीटर में, ध्यान रखना इस बारे में, अभी मैं थोड़ा सा बदल के भी दिखाऊंगा। तो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड यानी कि टाइलों की संख्या मतलब कितनी लगेगी। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो तुमने क्या करना है, ये टाइलों की संख्या का फॉर्मूला लिखना है कि भाई कितनी बनेगी। अब आप कैसे करोगे, तुम मुझे बताओ, इस पूरे एरिया को कौन कर रहा है, टाइल का एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, लेकिन मैं यहां पे जो लिख रहा हूं वो समझा दूंगा। नंबर ऑफ टाइल्स, कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी, तो आप लिखेंगे फर्श का क्षेत्रफल, इंग्लिश वाले लिख लें एरिया ऑफ रूम अपॉन में एक टाइल का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल अपॉन में एक टाइल का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन में एरिया ऑफ वन टाइल।
अब किसी को लगेगा सर जब क्वेश्चन पिछले की तरह था तो फिर यहाँ पे ये अलग कहानी क्यों बनी? देखो अलग नहीं बनी, क्या तुम मुझे बताओ ये जो सारा एरिया था, इस सारे एरिया को क्या लिखूंगा? सिक्स, चलो सिक्स इंटू एट लिख दिया, एट इंटू सिक्स बात बराबर है। मैंने लिखा लंबाई गुना में चौड़ाई, ये एरिया है, ये किसका है? रूम का। इसको कौन कवर कर रहा है? टाइल का एरिया। एक टाइल का एरिया कितना है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि चार डेसीमीटर इंटू में चार डेसीमीटर, ठीक है, ये कवर कर रहा है। लेकिन ध्यान दो, ये इतनी एक है, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, फिर चौथी होगी, ऐसी कितनी टाइल हैं जो इस एरिया को कवर करेंगी वो मुझे नहीं मालूम। तो मल्टीप्लाई बाई एन, एन इज द नंबर ऑफ टाइल्स, मुझे नहीं पता ये कितनी है। तो मुझे बताओ ये एन अब क्या लिखूंगा? ये क्या होगा? सिक्स इंटू एट अपॉन में फोर डेसीमीटर इंटू फोर डेसीमीटर। और ये फोर इंटू फोर क्या है? यही तो है इसका एरिया एक टाइल का। तो भाई ये और पिछले वाला क्वेश्चन सेम था, तो यहां पे कितनी रिक्वायर्ड थी वो हमने लिखा। तो अब मैं इसको कर रहा हूं कैलकुलेशन, ध्यान से सुनना। फर्श का एरिया कितना होगा? 8 मीटर इंटू 6 मीटर। एक टाइल का एरिया क्या होगा? 4 डेसीमीटर इंटू 4 डेसीमीटर। तो ध्यान दें ये मीटर है और टाइल की साइड जो है वो डेसीमीटर में है। तो भाई क्या करना है, इसको 10 से डिवाइड कर देना, ठीक है? इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 10 से। इसको जैसे ही मैं 10 से डिवाइड करूंगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिया ताकि मैं सिखा सकूं कि डेसीमीटर का मतलब क्या, कि डेसीमीटर से मुझे मीटर कन्वर्ट करना है तो हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है ये बात? तो ये यूनिट कन्वर्जन है, सिखाएंगे। तो 8 मीटर से अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो फिर इसको हम क्या कर दें, 10 गुना कर दें। डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कि 8 मीटर के कितने डेसीमीटर बनेंगे, तो इसको आप 10 से गुना कर दें, ठीक है? तो ये बात अब समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ मैं, कैलकुलेशन तो आसान ही है, क्या 8 गुना 6 गुना 10 गुना 10, ये 10 10 कहाँ से आए? नीचे से ऊपर आ गए। और ये 4 गुना 4 तो था ही, 4 से कटा 2 पे, 4 दुनिया 8, 2 से 2 पे और 2 से 3 पे, और आंसर कितना बन गया? 300 टाइल्स। मतलब 300 टाइल्स चाहिएगी भाई, फर्श कवर हो जाएगा एरिया। तो 300 टाइल्स आर रिक्वायर्ड। बात समझ में क्लियर है? सेम क्वेश्चन को और कैसे पूछ सकता था भाई, वो भी सुन लो। ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता था, बोला आपको ये टाइल नहीं लगानी, ईंट लगा दो। बोला टाइल तो महंगी पड़ेगी, क्या लगा दो? ईंट से, ठीक है, फर्श को ईंट से कवर करना है, ईंट से, ठीक है। और ईंट की जो डायमेंशन है वो दे देगा तुम्हें, तो तुम कहेगा कि ईंट जो है वो हमारी 12 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर है भाई, ये ईंट की डायमेंशन है भाई, ये ईंट इतनी लंबी है इतनी चौड़ी है। तो भाई ईंट को ईंट की तरह देखाऊंगा तो भाई ईंट कैसी दिखेगी तुम्हें? ऐसी दिखेगी। बोला ये ईंट लगा दी, लगा दो, 12 सेंटीमीटर लंबी है, 5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो अब क्या करेंगे? अब करना कुछ नहीं है, करना वही था, क्या? फर्श का एरिया यानी कि एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन में एक ईंट का एरिया, एक ईंट का क्षेत्रफल। तो अब भी हो जाएगा क्वेश्चन, अब क्या दिक्कत आ रही है? समझ गए, कंसेप्ट समझना है बस मेन। तो फर्श का एरिया कितना होगा? 8 मीटर गुना में 6 मीटर बटे में, एक ईंट का एरिया कितना होगा? 12 मीटर गुना में 6 मीटर, 5 मीटर, सॉरी। बात समझ में आ रही है भाई? अब मुझे बताओ ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं यार, बच्चा बच्चा जानता है। तो 8 मीटर के लिए 8 गुना 100, 8 मीटर के 100 से गुना करेंगे तो 800 सेंटीमीटर, और 6 मीटर के लिए भी 100 से गुना करनी है। बात आई समझ में? तो भाई चाहे तो तुम इसको चेंज कर लेना, चाहे तुम इसको चेंज कर लेना। अभी मैंने ऊपर वाला चेंज किया ना, 8 गुना 100 800 सेंटीमीटर, 6 गुना 100 600 सेंटीमीटर। कोई नीचे वाला चेंज करेगा तो 12 ये क्या था? सेंटीमीटर था, तो 100 से डिवाइड कर दो, ये सेंटीमीटर हो गया। बात घूम फिर के उधर ही आनी है, कान किधर से ही पकड़ लो, ठीक है, अपने ही पकड़ने, तुमने दूसरे की मत पकड़ना। 6 दुनी 12, 2 पंजे सॉरी 2 चौके, चौका लगेगा ना, चौका, 6 दुनी 12, 2 चौके 8 और 5 से कटाइए 20 पे, 20 चौके 80 होते हैं और 2 जीरो ये लगा देना। 8000 ईंट लगेंगी भाई, है ना? ईंट ज़्यादा लग गई, कोई बात नहीं, हमने कौन सा लगानी है, ठीक है,
हमें तो आंसर बताना है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को अंजाम देना है, ठीक है, और दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी और बचा है, अगली क्लास में करवाऊंगा, ठीक है, उसके साथ फिर स्क्वायर भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी वो वाले क्वेश्चन बचे हैं, इसके बीचों बीच रास्ता बना दिया, इसके अंदर की ओर बना दिया, इसके बाहर की ओर बना दिया, अभी रास्ते वाले क्वेश्चन बचे हैं, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।